फैज़ाबाद पे पहले तहफ़ुज़ ख़ुतबीन नुबूवत के सिलसिले में जो है तरंग यथावत काफ़ी दिनों तक जारी रहा था, और उन्होंने अब दोबारा जो है फैज़ाबाद धरना जो है उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से उन्होंने दोबारा दादा दरबार पर धरना दे दिया है। इस वक्त हमारे से तरीके लब्बैक या रसूलल्लाह के चेयरमैन हज़रत मौलाना ख़ादिम रिज़वी साहब हैं। ख़ादिम रिज़वी साहब से पूछ रहे हैं कि इस धरने के मतलब क्यों दिया गया है, इसमें इनके क्या मुतालबात हैं जो कि ये पिछले धरने में मंजूर नहीं हुए थे जिसकी वजह से इन्होंने दोबारा धरना दिया। जी आप बताइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलाम अलैक या सय्यदी या रसूलल्लाह वला अलैक मुख्तसर बस हमने यही है जी कि इन्होंने हमारे साथ वादा किया, और वादे की पासदारी दुनिया में भी आपको पता है रखी जाती है, और इस्लाम के अंदर तो मेरे आका ने फरमाया जिसका वादा नहीं उसका तो ईमान ही नहीं, और कुरान की नस भी यही है कि आपने वादे पूरे करो। जिन्होंने हमारे साथ वादा किया उसको वो पूरा करें, और वादा भी आम नहीं है, ख़त्म नबूवत पर हुआ है। हाँ जी, तो इस वास्ते इन लोगों को पूरा करना पड़ेगा, हम आ बैठे हैं। आप इतने अरसे तक इस मुआहदे के बाद जो है वो इस पर बात नहीं हुई या थोड़ा सा सैर पर, इसकी क्या वजूहत थी कि इस पर उस वक्त अब मतलब दरामद नहीं हुआ, लेकिन इस पर आपने एक्शन नहीं लिया? ये एक्शन तो बार बार इनसे मुतालबात ये करने, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, तो यही करते रहे हमारे साथ। जब हम बिल्कुल ही इन्होंने हमें मुजरिम बनाकर कौम के सामने पेश किया और कहा कि ये दूसरा बदयानत भी है, तो फिर तो हमने वापस आना था ना भाई, बदयानत कौन है और मुजरिम कौन है। आपकी इसमें शिके भी मंजूर की गई थी, लेकिन अब आपकी जो मेन उसमें बात है जो कौन सी शिके मंजूर है, जैसे मतलब कि वजीर साहब का इस्तीफा भी होता? इस्तीफा तो इन्होंने अपनी मजबूरी से लिया, हमारी वजह से थोड़ा लिया, इनको तो ऐसे मुल्क जाम हो गया था, इस्तीफा तो इन्होंने देना था। उसके बाद इन्होंने कहा जी हम बिल्कुल ये वादा पूरा करेंगे। अब बताएं वजीर दाखिला का है और जनरल फैज के सहन है, इसके बाद फिर किसके सहन होने थे जो वादा पूरा करना था, वो बताएं जी। बिल्कुल, उनका ये कहना था कि जो हमारे से वादा किया गया था उसके मुतालबात जो थे मंजूर नहीं किए गए, तो जब तक वो मुतालबात मंजूर नहीं हो गए इन्होंने ये आने वाला जो खुद है इसके 2 बजे डेडलाइन दी है, और 4 बजे जो है अगले दाई मतलब ये भी बताएंगे, तो इस वक्त धरना जारी है और मुतालबात की मंजूरी तक इन्होंने धरना होने का वादा किया जी।